हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देखो जीओ एजुकेशन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देखोसीखो.guru पर विजिट करें, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज 1 जून है। 1 जून के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, COVID-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई और म्यूकोमाइकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच गाजियाबाद, मुंबई और गुजरात के डॉक्टरों ने किस नामक नई बीमारी के मामले दर्ज किए हैं? तो इसका उत्तर है एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस एक फंगल संक्रमण, फंगल विकास या एस्परगिलेसिस फंगस के कारण होने वाले एलर्जिक रिएक्शन है। यह फंगस घर के अंदर और बाहर भी पाया जाता है। यह सड़ती हुई वनस्पति या मृत पत्तियों पर रहता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने किस नामक स्पाइडर आकाशगंगा की खूबसूरत तस्वीर खींची है? तो इसका उत्तर है NGC-691। यह एक अवधित सर्पिल आकाशगंगा है जो लगभग 125 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर में इस राशि में स्थित है। इसकी खोज जर्मन में जन्मे ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने नवंबर 1786 में की थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2021 को किस विषय के तहत मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है कमिट टू क्विट। लेसेंट अध्ययन के अनुसार कुछ 3 दशकों में लगभग 200 मिलियन मौतें तंबाकू के सेवन से हुई हैं, जबकि धूम्रपान करने वाले तंबाकू के उपयोग की वार्षिक आर्थिक लागत $1 ट्रिलियन से अधिक है। हमारा चौथा प्रश्न है, गोवा के मुख्यमंत्री ने गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई के अवसर पर राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है प्रमोद सावंत। हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 577 बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं। घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। सातवां प्रश्न है, चर्चा में रहे बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। 1974 में इस नेशनल पार्क घोषित किया गया था। खबरों में रहा थीटू द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है दक्षिणी चीन सागर। हाल ही में फिलीपींस ने थीटू द्वीप के पास चीन की अवैध उपस्थिति और गतिविधियों का विरोध किया है। हमारा नवा प्रश्न है, इफको यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव अगले महीने बाजार में कौन सी यूरिया लॉन्च करेगा? तो इसका उत्तर है नैनो यूरिया। 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की कीमत 250 होगी। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ उपज में भी वृद्धि होगी। दसवां प्रश्न है, कौन सी स्पेस कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर बियर्स एवं बेबी स्क्विड भेजेगी? तो इसका उत्तर है नासा। ग्यारहवां प्रश्न है, एशियाई महिलाओं की मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका उत्तर है पूजा रानी। बारहवां प्रश्न है, सेंजोउ 12 क्रियोड मिशन किस देश का मिशन है? तो इसका उत्तर है चीन। चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों की टीम भेजने की घोषणा की है। वे 3 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे और इस दौरान वे मरम्मत, रखरखाव, वैज्ञानिक के अन्य कार्यों में भी देखरेख करेंगे। ये थे आपके करंट अफेयर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखोसीखो.guru पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।